दोस्तों, अगर आप कपल हैं या फिर मैरिड हैं, तो जब आप साथ में मूवीज वॉच करते होंगे तो आप एक स्क्रीन तो शेयर साथ में कर लेते हैं, लेकिन आप एक ही हेडफोन की मदद से ऑडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं। और हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दो हेडफोन्स में ऑडियो को एक साथ प्ले करने की परमिशन हमें नहीं देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीसी या लैपटॉप में दो हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स हों या वायर्ड हेडफोन हों। सबसे पहले दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर इस वेब पेज पे आ जाना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्चुअल ऑडियो केबल, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.7। इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे नीचे देखते हैं इसका लाइट वर्जन, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो हम दोस्तों इसका लाइट वर्जन यूज़ करने वाले हैं। आप डाउनलोड VSC 4.7 पे क्लिक कर दीजिए। अब इसकी ज़िप फाइल हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इस पर राइट क्लिक करेंगे हम। अगर आप विंडोज 11 यूज़र हैं तो शो मोर ऑप्शंस में चाहिए, और आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपको इसकी सेटअप फाइल देखने को मिलेगी। आप सेटअप फाइल को डबल क्लिक करके रन कीजिए। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली यस करना है। आप एक्सेप्ट कीजिए इसे और हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, हम इसे ओके करते हैं। अब दोस्तों, आपको इसी फोल्डर के अंदर X64 नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा, आप इसको ओपन कीजिए, और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी ऑडियो रिपीटर की। आप इस फाइल को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दोनों ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया है। एक मेरे OnePlus के वायरलेस हेडफोन्स हैं और दूसरे विंग्स के एयरबड्स हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करूँगा तो दोनों में से सिर्फ एक ही में साउंड आएगा। अब हमें इन दोनों में ऑडियोज़ को सेम टाइम पे प्ले करने के लिए एक सेटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। यहाँ से हम साउंड्स में जाएंगे, और इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको लाइन 1 को सेट कर देना है। यहाँ से आप इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, और रिकॉर्डिंग डिवाइस में भी लाइन 1 को आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, हमें इस एप्लीकेशन को 1x1 दो बार ओपन करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हमने इस ऑडियो रिपीटर एप्लीकेशन को दो बार ओपन कर लिया है, और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों, आपको वेव इन में माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैप पर रहने देना है, और दूसरे में आपको वेव इन में सेलेक्ट करना है लाइन 1। इसके बाद वेव आउट में आप अपने हेडफोन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको इसे स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों, जब हम म्यूजिक को प्ले करेंगे तो दोनों हेडफोन्स में सेम टाइम पे आपको साउंड सुनाई देगा। सो दोस्तों, ये है ना काफी अमेजिंग। अब इसके बाद दोस्तों, जब आपको साउंड मैपर का यूज नहीं करना हो तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए, और इन दोनों विंडोज़ को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको वापस से कंट्रोल पैनल में जाना है, साउंड में जाना है, और यहाँ से आप स्पीकर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो आप जब भी म्यूज़िक वगैरह प्ले करेंगे तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप इस सेटिंग को ज़रूर याद से कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।